90 का दशक बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं आम थीं। और बिहार की इसी अपराधी पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था, और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता है शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। सिवान के लोगों ने शहाबुद्दीन को साहेब नाम दिया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर में हुआ था। सिवान में ही स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा था। 1986 में जब वो 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो ये क्राइम की बस शुरुआत थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें हिस्ट्री शीटर तक घोषित कर दिया गया। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बनाया। 1985 में जिरदोही सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस क्या था, शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर हो गया था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ कहने से बचता था। इसी दौरान शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आए। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की ज़रूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1991 लोकसभा में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू प्रसाद यादव का साथ दिया ही था, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी और सिवान में शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले ही था, लेकिन अब तो जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। चाहे ये बाहुबली कोई भी अपराध करे, पुलिस और प्रशासन ने तो जैसे आंखें ही बंद कर ली थी। सिवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चल रही थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद, भूमि का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई भी विवाद, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहां सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी वहां उन्हें साहेब के नाम से बुलाते थे। शहाबुद्दीन ने 1985 में जनता दल की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद 1986 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान का साहेब संसद पहुंच चुका था। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटन शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या कर दी जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगता है, लेकिन पुलिस उसके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और वे लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। 2004 में लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें सिवान की जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से चुनाव लड़ा। अस्पताल का एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दे दिया गया था। वो यहीं अपने नेताओं से मिलते और चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती। ऐसा लगता अस्पताल नहीं शहाबुद्दीन का ऑफिस हो। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश पर एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। 2004 में चुनाव हुआ। शहाबुद्दीन पर 500 से ज़्यादा बूथ लूटने का आरोप लगा। उन सीटों पर एक बार फिर से चुनाव कराया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन की ही हुई। चुनाव जीतने के बाद वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या हो गई। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी। 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के तीन बेटे गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में दो भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। इस डबल मर्डर केस का आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा। यह केस सालों तक चलता रहा,
2015 में इस डबल मर्डर केस की चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन को एक के बाद एक कई मामलों में सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापा करने पहुंची। उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार, AK-47, सेना की नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सिवान के डॉन का आतंकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे। बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुना दी थी। 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता पर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना साहब को चुनाव लड़ाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो जीत नहीं पाई। इसी बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोविड के दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ उनकी मौत हो गई। बिहार का ये खतरनाक बाहुबली, जो किसी से ना हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। सिवान के कुछ लोगों के लिए तो शहाबुद्दीन मसीहा भी था।